हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आजकल मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम है, तो आपके फेस पर बहुत ज़्यादा चिपचिपाहटपन, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस आ जाती है, तो आपकी स्किन पर थोड़ा सा अलग तरह का एक फेस पैक मैंने यूज़ किया है और वो फेस पैक बहुत ही अमेजिंग है। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये फेस पैक ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो मैं इसको कुछ दिनों से यूज़ कर रही थी और अपने फेस पर अप्लाई करती रही और अपनी बॉडी पर भी अप्लाई किया। मैंने अपने हैंड्स पर अप्लाई किया, अपने नेक एरिया से यहाँ तक मैंने अप्लाई किया है उसे, तो बहुत ही अच्छा अमेजिंग रिजल्ट है इसका। तो फ्रेंड्स, आपकी स्किन पर अगर थोड़े भी पिंपल के निशान हैं या फिर पिंपल हैं आपकी स्किन पर, फेस पर, और अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, रफ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, उसको इसमें मैंने इसमें लेमन यूज़ किया है, तो आपको लेमन यूज़ नहीं करना है अगर सेंसिटिव स्किन है तो। और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप ये सारी चीज़ें जो भी मैंने इस्तेमाल की हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, तो ये जो पैक है ये बहुत ही अमेजिंग है, और अगर आप इस तरह के पैक यूज़ करते हो, आप लगाते हैं, आप चाहते हैं कि कोई इस तरह के पैक आप लोगों को सजेस्ट करें, तो मैंने ये पैक बहुत ही अच्छे से आपके लिए और अपने लिए, मतलब इस्तेमाल के लिए बनाया हुआ है, और ये पैक आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देगा। फ्रेंड्स, तो आप लोग देख ही लीजिए मेरे फेस पर ग्लो। और मैंने अभी इससे पहले जब ये मैंने तैयार हुई हूँ उससे पहले मैंने ये पैक लगाया था, और अब आप देख सकते हो मेरा फेस। और मैंने सिर्फ बीबी क्रीम लगाई है, उसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगाया है, दैट्स इट। और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया है, बस एक लिप कलर लगाया है, क्रियोन लगाया है मैंने NYV का, और आईलाइनर लगाया है ग्रीन कलर का, क्योंकि मेरे ड्रेस भी ग्रीन कलर की है इस वजह से। तो फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही अच्छा पैक है, आप लोगों को बता देती हूँ मैं। ये पैक बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को सारे इंग्रेडिएंट्स घर पर ही मिल जाएंगे, और आपकी स्किन अगर बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो ये जो भी पैक मैंने बनाया है बहुत ही अमेजिंग आपको काम करेगा आपकी स्किन पर, आपके फेस पर। तो आप इसको लगाइए, और अगर आपको इस तरह की फेस पैक देखते हैं, चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज़ मुझे एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। जैसे ही आप ये वाला जो पैक देख लें और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, तो और शेयर जरूर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा। जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। फ्रेंड्स, तो फटाफट से आप लोग चलिए देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंट्रो बहुत बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पर एक स्क्रब किया था, जो कि उसका वीडियो भी अपलोड करूँगी मैं बहुत जल्द। तो अभी आप लोग फटाफट से देख लीजिए पैक को मैंने किस तरह से बनाया है, और आपको सारी इंग्रेडिएंट्स सब घर पर ही मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले ले रही हूँ थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी है, ये मैंने मुल्तानी मिट्टी लिया है 1 स्पून, और फिर मैं इसमें डालूँगी, ऐड करूँगी ये ब्रू का कॉफ़ी पाउडर है, तो मैं इसको ले लूँगी 1 स्पून। और जो वेदर है अभी इस समय, तो मतलब इस तरह के पैक्स अच्छे होते हैं आपके फेस के लिए, तो आपको ये फेस पर ज़रूर अप्लाई करने चाहिए इस तरह के पैक्स, क्योंकि ये बहुत ही आपको रिफ्रेश कर देंगे, आपकी जो स्किन है डीपली क्लीन करेंगे। और मैं ले रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और ये बाइल टर्मरिक पाउडर है, तो मैंने इसको निकाल के रख लिया, सिर्फ इतना ही लूंगी मैं। क्योंकि जो वेदर है अभी बहुत चिपचिपा, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, चिपचिपी वाली है, मतलब ऑयली ऑयली वेज ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसमें ले लूँगी एक थोड़ा सा लेमन जूस। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप लेमन जूस स्किप कर सकते हैं, और आप रोज़ वाटर में बना सकते हैं इसको, लेकिन मैं लेमन जूस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से डीपली क्लीन करता है, और इसमें जितने भी इसके सीड्स वगैरह जा रहे हैं मैं उनको निकाल दूंगी, जो चले गए हैं बाद में निकाल लूंगी, और अच्छे से इसमें डालूंगी ये लेमन जूस, क्योंकि मुझे लेमन जूस का जो पैक बनता है बहुत अच्छा होता है, मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा इससे ग्लो आता है, इसलिए मैं ले रही हूँ। और जो अभी बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम है, तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत है आपकी स्किन पे, मतलब कुछ भी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें नीम पाउडर ले रही हूँ,
नीम पाउडर से आपकी स्किन में जित कुछ भी अगर इम्प्योरिटी है, अगर आपकी स्किन पे थोड़े भी दाग धब्बे वगैरह हैं, अगर आपकी स्किन पे थोड़े से भी पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन मतलब बहुत ज़्यादा पिंपल वाली है, पिंपल प्रोन स्किन है, तो उसके लिए आपकी स्किन को ये हील करेगा। और मैं इसमें रोज़ वाटर भी अभी ऐड करूँगी और मैं थोड़ा सा इसमें रॉ मिल्क ले रही हूँ। ये रॉ मिल्क मेरा पड़ा हुआ था तो ये देखिए इस तरह का हो गया है, तो इसको मैं अभी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको। और ये जो पैक है आप ये पैक ज़रूर लगाइए, आपकी स्किन इससे बहुत ही हेल्दी रहेगी, आपकी स्किन बिल्कुल डीपली क्लीन हो जाएगी। ये मैं आपसे कह रही हूँ बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि मैं इस पैक को हमेशा बारिश के समय में लगाती रहती हूँ। और थोड़ा सा लेमन जूस मैं और ऐड कर रही हूँ इसमें। आप हाफ लेमन जूस ऐड कर सकते हो, या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा कुछ बूंद भी डाल सकते हो अगर आप चाहते हैं तो। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ रोज़ वाटर के साथ। फिर दिखाती हूँ आपको अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया है, और ये अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स। और मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं अप्लाई किया है, बिल्कुल क्लीन फेस है मेरा। मैंने स्क्रबिंग की है सिर्फ, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया है। और ये अगर थोड़ा ज़्यादा भी बन जाता है तो आप हैंड्स पर अप्लाई कर लीजिए, या फिर मैं अपने हस्बैंड को अप्लाई कर दूँगी क्योंकि वो भी ये पैक्स वगैरह लगा लेते हैं, तो उनको मैं लगा दूँगी। तो चलिए मैं इसको लगा कर दिखाती हूँ। और मुल्तानी मिट्टी आपको ज़रूर यूज़ करनी है, और थोड़ा फेस को भी वेट कर लीजिए आप। आपको बिल्कुल ड्राई फेस पर नहीं अप्लाई करना है, कोई भी फेस पैक है या स्क्रबिंग कर रहे हैं तो भी अप्लाई नहीं करनी है ड्राई फेस पर। तो इसको मैं हैंड से ही अप्लाई कर ले रही हूँ। कॉफ़ी की स्मेल इसमें बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड्स, और ये मानसून के लिए मतलब बहुत ही अच्छा पैक है। जो बारिश हो रही है अभी तो आपकी स्किन एकदम क्लीन हो जाएगी, इससे आपकी जो बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है आपकी स्किन में, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जो हो जाते हैं उससे डीपली क्लीन हो जाएंगे। फेस पर जो जितनी भी आपकी स्किन में पिंपल्स वगैरह होते हैं ना, वो इससे बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो पोर्स हैं एकदम क्लीन है इस वजह से। अगर आपके बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स है ना तो स्क्रबिंग बहुत कम कीजिए फ्रेंड्स। तो इसको अच्छे से आपको अप्लाई कर लेना है अपने पूरे फेस पर अच्छे से, और इसको 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आपको जो मैंने इसमें वो डाला है, जो नीम पाउडर डाला है, वो आप जरूर डालिए, क्योंकि इससे आपकी जितने भी पिंपल्स वगैरह होंगे वो हील होंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है स्किन, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप स्किप कर दीजिएगा लेमन जूस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिट्रिक फूड होता है वो, बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है उसमें। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो आप मत डालिएगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लेमन, तो मैं ज़रूर डालती हूँ। एक्चुअली मेरी ऑयली एंड कॉम्बिनेशन, नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन है मेरी। नॉर्मल टू ड्राई, सॉरी वही मैं कह रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। तो इस तरह से अप्लाई कर लेना है आपको अच्छे से इसके अप्लाई कर लीजिए, बहुत अच्छे से अप्लाई कर लेना है आपको, और फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए 20 मिनट्स के लिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे 20 मिनट्स के बाद। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा पैक ये बिल्कुल सूख चुका है, तो अब मैं बिल्कुल ड्राई हो गया है ये देखिए। तो अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपना फेस को वॉश कर लिया है, और अब आप देख सकते हो मेरे फेस को, ये देखिए। एकदम क्लीन है।
मैंने सिर्फ वाटर से ही वॉश किया है, नॉर्मल वाटर जो आता है टैप का वही यूज किया है मैंने। चलिए मिलती हूँ अभी आपसे। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया इस पैक को किस तरह से मैंने बनाया है और कैसे अप्लाई किया है। तो बहुत ही सिंपल है ये और आपकी पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसमें मैंने कॉफ़ी डाला है। और मैंने बताया भी है आपको जब लगा रही हूँ या शायद बना रही हूँ पैक को, तब मैंने बताया भी है कॉफ़ी यूज़ करने से आपकी पिगमेंटेशन के निशान आपके कम होंगे। और जो मैंने इसमें नीम डाला है, नीम का पाउडर मैंने यूज़ किया है, तो आपकी स्किन से, आपकी स्किन में अगर पिंपल्स है और आपकी स्किन पिंपल प्रोन स्किन है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आपको इसमें मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ किया है मैंने। इसीलिए सब सारी चीज़ें यूज़ की हैं क्योंकि अभी बहुत चिपचिपाहट बन आ रहा है फेस पर, आपकी बॉडी पर, तो इस वजह से ये पैक बहुत ही अमेजिंग काम कर रहा है। तो आप इसको लगाइए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये पैक कैसा लगा। तो फिर चलिए फटाफट से मैं जा रही हूँ और प्लीज़ एक लाइक करके ही जाइएगा, प्लीज़ 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 एक लाइक करिए मेरे वीडियो को और मुझे बताइए कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और सारी इंग्रेडिएंट्स आपको घर पर ही मिल जाएंगे, मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे जो भी न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन जरूर हिट करिएगा और जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपके पास न्यू वीडियो पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन उसका, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको भूलिएगा मत, मैं इससे पहले, इसके बाद या फिर इससे पहले भी आ सकता है वो वीडियो जो मैंने बनाया है स्क्रब का, और वो रिव्यू है। मैंने बताया था आपको जब पर्पल हॉल आया था मेरा, तब मैंने बताया था कि मैंने एक स्क्रब मंगाया है गुड वाइब्स का, तो उसका रिव्यू मैं करूँगी बहुत जल्द, बहुत ही अच्छा है वो। आपको अगर ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है तो आप छोटा यूज़ कर सकते हो, छोटा पैक भी आ रहा है उसमें। तो चलिए फटाफट से मैं जाती हूँ, बाद में मिलती हूँ आपसे, बाय 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 फ्रेंड्स।